झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। कि मेरा बिल्कुल अस्पष्ट मानना ही नहीं, बिल्कुल साफ दूध और पानी की तरह दिख रहा है अलग कि पूरे एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, JPSC ने गड़बड़ किया है और गड़बड़ छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी बच्चों को धमकी देना, कभी मतलब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ एक प्रकार से लोगों को मिसगाइड करना। लेकिन आज भी सवाल ये इतना ही है कि भाई अगर रिजल्ट उन्होंने दिया प्राइमरी का, तो अभी तक उन्होंने ओमर सीट जो पेपर होता है उसको इन्होंने प्रकाशित क्यों नहीं किया? उसको तो अपलोड कर देना चाहिए था ताकि हर लड़के उसको देख सकते थे। अभी तक जितनी कुछ जो सूचनाएं आई है, एक तो उन्होंने क्या कहते हैं, जिन लड़कों ने कम नंबर लाया है, कम लिखा है, और उन सारे लोगों को पास कर दिया, जबकि जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो या ST कैटेगरी हो, जिसमें जो कट ऑफ मार्क्स है उससे भी काफ़ी कम नंबर लाए हुए बच्चे भी पास है, उनके रिजल्ट में साफ दिखता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी है इन लोगों ने, और उसी कारण से इन लोगों ने जो आंसर सीट होता है उसको अभी तक इन लोगों ने प्रकाशित नहीं किया, नहीं अपलोड किया है। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको तो आयोग रद्द करे, और सरकार से हम ये मांग करते हैं क्योंकि गड़बड़ी हुई है इसलिए पूरे मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। क्योंकि अभी से अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो फाइनल एग्ज़ाम होते होते तो पूरी गड़बड़ी ही गड़बड़ी रहेगी। फिर जो लड़का मेहनत करता है, जो पूरी समय दे करके दिन रात पढ़ता है, वो बच्चे तो बेचारा यूँ ही फिसल जाएंगे। जिसके पास पैरवी होगा, जिसके पास पैसा होगा, उन्हीं बच्चों का हो पाएगा। और इसीलिए इस JPSC को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और उसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि एग्ज़ाम को उन्हें रद्द करना, और जो गड़बड़ी हुई है जिस किसी की ओर से भी, चाहे वो जो कंपनी है जिनको दिया होगा एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, चाहे वो गड़बड़ी किए हो, चाहे JPSC में जो बैठे हुए अध्यक्ष या पदाधिकारी, जो मेंबर, जिन लोगों ने भी गड़बड़ी किया हो, ये CBI जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर आगामी 15 को मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में बात करेंगे। अभी छात्रों ने निमंत्रण दिया है, और पिछले भी आप सबको याद है जी, जब छात्र 22 नवम्बर की तारीख आयोग के कार्यालय की और जिस दिन लोग कुछ कर रहे थे उस दिन भी हम लोग कार्य समिति उस दिन बैठे हुए थे, तो दो विधायकों हम लोगों ने वहाँ से भेजा था, एक तो भानो जी को और नगर से जो विधायक है, और दूसरा हटिया से जो विधायक है जायसवाल जी को, नवीन जी को, दोनों को हम लोगों ने भेजा था। और फिर 15 तारीख के इन लोगों ने आज निमंत्रण दिया है, तो 15 तारीख भी हम पार्टी के सारे विधायकों से, नेता से सब बात करके हम लोग बताएंगे। और विधानसभा अब वो तो 15 तारीख को विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हम लोग तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, किन किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में हम लोग बात को उठाएंगे, उस दिन हम लोग तय करेंगे। इसलिए उसको उस दिन के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक, मैं आग्रह कर रहा हूँ तमाम झारखंड के पक्ष और विपक्ष तमाम विधायकों को, क्योंकि झारखंड के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। JPSC जो देने वाले हैं वो सिर्फ BJP के या कांग्रेस के या JMM के नहीं, बल्कि सभी पार्टियों के जो है सो बच्चे उसको दे रहे हैं। तो इस लाइन से आगे आकर के उस पर हाँ हम बोल रहे हैं, पार्टी लाइन को से आगे हो करके यानी झारखंड के बच्चों के विकास के लिए जो है मैं निवेदन करूँगा कि आप पार्टी को छोड़िए, बल्कि झारखंड के बच्चों के भविष्य के वो ध्यान में रखते हुए पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके अब तमाम विधायकों से अनुरोध करता हूं, चाहे तो वह JMM के हों या तो कांग्रेस के हों या तो BJP के हों या तो जो वह आजसू के हों, हम तमाम विधायकों से अनुरोध करते हैं कि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप लोग यहाँ पर आए। हम तो मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि आप जो है सो 15 तारीख को मेरे रैली में आए, और आप ही का घेराव करना
हमको घेराव नहीं करना पड़े, बल्कि आप एक आदेश दे दें और वह ये सातवीं से दसवीं जेपीएससी को रद्द कर दें। तो सुना आपने किस तरह और भी कुछ लोग हैं।